नमस्कार, न्यूज ब्रेकर्स के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो एक साथ अनेक विधाओं में माहिर हैं। वो जाने माने छायाचित्रकार हैं, यानी फोटोग्राफर हैं, मूर्तिकार हैं, पेंटर हैं, और आजकल उन्होंने पर्यावरण की सेवा का एक अनूठा संकल्प लिया है। सिरपुर क्षेत्र में उन्होंने काफी जोरदार काम किया है और सिरपुर के पक्षियों पर एक किताब भी लिखी है। भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स और इंडिया टुडे में फोटोग्राफर रह चुके हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर रह चुके हैं, और आजकल इस शहर को सुधारने के लिए सभा गोष्ठियों में शिरकत करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, इस शहर को अच्छा बनाने के लिए, हमारी और आपकी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करते हैं। भालू मोंडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। 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 इतनी सारी भूमिकाओं में आप हैं, आप क्या कहलाना पसंद करेंगे, फोटोग्राफर, पेंटर, मूर्तिकार या पर्यावरणविद? अभी शुरुआत तो मेरी फोटोग्राफी से है, क्योंकि फोटोग्राफी हमारे खानदान में है। वैसी 1923 में मेरे अंकल ने इंदौर में फोटोग्राफी का स्टूडियो डाला था, मोंडे ब्रदर्स उस नाम से, जो फडनीसवाड़ा जो आज है उसके कॉर्नर पे था, लाल गली के। पर वो 50 में ख़त्म हो चुका, तो फोटोग्राफी पे मेरे भाई ने ली, उसके बाद भाई से चले, भाई से फिर मेरे पास आई, फिर वो चलती रही है और वी हैव कंटिन्यूड अबाउट। अभी हमारे पास 5 लोग हैं, हम फोटोग्राफी में हैं, हमारे मोंडेस में, जो 3 जर्मनी में है और 2 हमारे यहाँ पे, एक अरुण। आपने भी तो जर्मनी से शुरुआत की थी, मैं किशोरावस्था आपने वहीं बिताई थी, क्या करने गए थे आप? मैं 18-19 साल का था तब लंदन चला गया था, मेरे भाई साहब पहले पहुँच गए थे, फिर मैं गया तो वहाँ से हम टाइम एंड लाइफ लेबोरेटरी का हमको एक ऑफर था वहाँ पे, टाइम एंड लाइफ लेबोरेटरी बॉन्ड स्ट्रीट में, लंदन के बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी। तो वहाँ पे हमने अप्रेंटिसशिप शुरू कर दी, मतलब कलर फोटोग्राफी, और जो उस टाइम में टाइम एंड लाइफ के जो फोटोग्राफर्स थे लंदन में और यूरोप में, वो पूरा उनका प्रोसेसिंग, कलर प्रोसेसिंग, ट्रांसपेरेंसी, उस टाइम में फिल्म थी तो सब प्रोसेसिंग, उसका प्रिंटिंग वगैरह सब हम करते थे। तो उस टाइम में हमको वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, हमने शुरुआत करी, कुछ भी जानते नहीं थे, ऐसी शुरुआत हुई है, पर करते करते 3 महीने में तो हम बहुत एक्सपर्ट हो गए थे। फिर वहाँ से चित्रकला की ओर कैसे बोल गए? चित्रकला मेरी, हमारे चित्रकला, हमारे जो मुकुंदराव मोंडे जो 23 में स्टूडियो है, वो पहले उनने 2-4 परीक्षा GD आर्ट की है, क्योंकि उस जमाने में फोटोग्राफर से उसके पहले वो आर्टिस्ट लोग थे सब, जैसे रामचंद्र प्रताप राव या जो भी ये थे, वो पेंटर थे पहले। पेंटिंग से जब कैमरा आया 20-40 में आया कैमरा, तो कैमरा 40-50 में पॉपुलर हुए ही है, तो सब आर्टिस्ट लोग फोटोग्राफर बन गए, क्योंकि उनको ज़्यादा समझ थी उसमें, ऐसा माना प्रतीत होता है आज भी, और एक्सपीरियंस था, तो वो उस टाइम में इस तरह से हो गया। वो हैंड कलरिंग वगैरह करते थे, तो वो आर्टिस्ट की जरूरत थी, पहले उसके पेंटिंग करते थे, वो पोर्ट्रेट बनाते थे, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट तैयार किए जाते थे, उसको हाथों से कलर किया जाता था, रंगीन चित्र बनाते, बिल्कुल रंगीन, लोग अपने घरों में मड़वा के लगा, सही यही बात, और वो एक रईसों का शौक था। फिर धीरे धीरे उससे जैसी पॉपुलैरिटी दुनिया में बढ़ी फोटोग्राफी की, तो वो आम आदमी के पास था, और आज तो बिल्कुल क्लिक बटन के मोबाइल पे है सब चीज, फोटोग्राफी ऐसी एडवांस है अब तो। और उसके बाद जो चला है सिलसिला, तो मेरा पेंटिंग में मैंने फिर जब मैं पहुंच गया जर्मनी, इंग्लैंड गया पहले, वहाँ से शुरुआत मैंने इवनिंग कॉलेजेस में मैंने की, स्कल्पचर क्लासेस किए इवनिंग कॉलेज में, पेंटिंग क्लासेस किए, और फिर घर पे एक मेरा हमेशा टेबल बना था, वहाँ पे मैंने 69 में मैंने ट्रांसफ़र हुआ मेरा, तो जर्मनी गए हम लोग, पूरा बोरी बिस्तर उठा के जर्मनी चले गए, तो वहाँ पर डुसेलडॉर्फ एकेडमी में, डुसेलडॉर्फ में मैंने 3 साल का कोर्स किया पेंटिंग का, फुल टाइम कोर्स किया, और वहाँ से फिर मैंने पूरा एक प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशन भी सोचा कि पेंटिंग क्यों नहीं किया जाए, तो ऐसा करके मैंने काफ़ी टाइम फिर व्यतीत किया, और म्यूजियम्स ये वो पूरा देखना शुरू रहे, आपको दिशा तय भी भटकते रहे, क्या कमाई के लिए पैसा कमाई कर लेते थे फोटोग्राफी लेबोरेटरी और इधर उधर काम करके, फोटोग्राफी में वो हमेशा एक बेस था, पर अदरवाइज भटकना मेरा पेंटिंग और इसके लिए ज़्यादा था हमेशा, और नेचर का अपने आप में भटकते भटकते नेचर का वो लग गया मेरे को एक लचक, उसकी लालच, तो उसमें फिर घूमता रहा, मैं घूमता रहा, खूब घुमा हूँ मैं फिर। आपकी वेबसाइट है भालूमोंडे.co, उसमें बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हमने देखी, कोई भी व्यक्ति आपकी वेबसाइट पर जाके देख सकता है। आपने उसमें 1948 की महेश्वर की एक तस्वीर रखी है, जो महात्मा गांधी के अस्थि विसर्जन के दौरान की है, पूरा हुजूम उमड़ा पड़ा है, ऐसा लगता है कि घाट पर पांव रखने की जगह नहीं है, और वो तस्वीर गांधी जी की
अस्थियों के विसर्जन के वक्त की, जब उनकी अस्थियां महेश्वर भी लाई गई थी, ऐसे विलक्षण तस्वीरें, उसी में एक तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया की और माधवराव सिंधिया की, माधवराव सिंधिया ज्योतिरादित्य की पीठ पर, ज्योतिरादित्य 10-12 साल के रहे होंगे, उनकी पीठ पर रखकर कुछ लिख रहे हैं, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। तो वो कहाँ हैं, कोई व्यक्ति देखना चाहे, उनको पढ़ना चाहे, मिलना लेना चाहे तो कहाँ ले सकते? मेरे को, मैं 75 में यूरोप छोड़ के, जर्मनी इंग्लैंड छोड़ के इंडिया आ गया 75 के बाद। मेरे कितनी उम्र होगी आपकी तब? मेरी 31 साल की थी, मैं वापस आ गया था। 18 साल में गया, 31 साल में वापस आ गया था। उसके पहले मैं सब पूरा बैचलर था, यहाँ आके शादी की, उसके बाद 2 साल बाद शादी हुई है, 32 साल में शादी हुई है, फिर सब परिवार भी आया, एक बच्चा है, लड़की है और लड़का है मेरे को अभी, वो सब है। पर वो पुराने तस्वीर का मेरे को जो जज्बा लगा है, तो कलेक्शन में मैंने म्यूजियम देखे दुनिया में, न्यूयॉर्क गया, अमेरिका गया, हैम्बर्ग गया, जर्मनी गया, वहाँ पे पुराने तस्वीरों का एक बड़ा शानदार कलेक्शन म्यूजियम में देखने मिलता है। मेरे को भी लगा कि अपने यहाँ मैंने देखे हैं इस तरह के पिक्चर। मैं जब 75 में आया तो फिर मैंने कलेक्शन खरीद के मेरा कलेक्शन शुरू किया। तो ये कहीं जैसे निगेटिव्स किसको बेचना है, या फोटोग्राफर नहीं रहे तो उसके यहाँ से, या कहीं से भी एक ओरिजिनल फोटोग्राफ का मैं फोटोग्राफ करके मेरे पास कलेक्शन करता था। पर मेरा इंटरेस्ट रहा इंदौर से कनेक्टेड, पूरे इंडिया का ओल्ड फोटोग्राफ में मेरे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, पर इंदौर और आसपास 100 किलोमीटर में, चलो इस तरह से ले लो। तो महेश्वर होलकर, तो होलकर के वंश के कुछ रिश्तेदार हैं क्या? नहीं, मैं होलकर मराठा, मतलब वो धनगर है, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, अदरवाइज ऐसी ऐसे वो नियर नहीं। पर हमारी उत्तराधिकारी वगैरह नहीं है? नहीं नहीं, कई लोग कहते हैं कि आप उनके उत्तराधिकारियों में से हैं, आपको उन्होंने बड़ी सी जागीर दे रखी। नहीं नहीं नहीं, उसे बेच बेच के आप खा रहे हैं और ऐश कर रहे हैं, ऐसा कुछ? हम जब लंदन में थे तो 67 में रिचर्ड होलकर और उनकी पहली शालीन देवी जो उनकी बीवी थी महारायण साहब, तो वो हमको इंदौरी करके लंदन में मिले पहली बार। कि इंदौर के लोग है, यहाँ पे कल्याण भवन में राजन सिंह थे, वो हमारे मित्र थे, तो वो कॉमन दोस्त थे। उनने कहा कि अपने इंदौर के दो जो है फोटोग्राफी में लंदन में काम कर रहे हैं, ऐसे करके ढूंढ के उनने निकाला। और तब से हमारी 67 से दोस्ती है, आज इतनी पक्की है कि घर जैसा है मेरे को वो होलकर पूरा घराना। फिर महारानी साहब से भी, सतीश मल्होत्रा से, सबसे पूरे परिवार से फिर धीरे धीरे अच्छी पहचान हुई। उनके काम होते नहीं होते इंटरेस्ट है, उनकी पार्टियाँ होती है दिल्ली, बम्बई और इंदौर में, महेश्वर में हम जाते रहते हैं। और द नेचर वॉलेंटियर्स क्या है, ये इससे कैसे जुड़े आप? नेचर वॉलेंटियर हमने, जैसे मेरे शौक थे पर्यावरण और ये, पहले मैं 67 में जब आया पहली बार लंदन से, तो फिर मैं कान्हा नेशनल पार्क गया, जबकि टाइगर टास्क फोर्स और कौन सा वो इंदिरा गांधी का प्रोग्राम था टाइगर का, वो फॉर्मेशन हुआ था टाइगर का इंडिया में 72 में। उसके पहले 67 में मैं कान्हा नेशनल पार्क विजिट किया था, तो तब जब मैंने असली टाइगर देखा जंगल में, मतलब मेरा तो वो ऐसे दिल में बैठ गई ये चीज़ कि इंडिया ही आना है मेरे को 67 से। फिर भी 1975 तक मैंने खींच लिया मेरे को यूरोप में, और काम करते गया, एक दिन जाना एक दिन जाना है करके 75 तक हो गया। फिर उसके बाद मैंने आया तो हर साल मैं जा रहा हूँ, करीब 2 या 3 बार जंगल में जाके टाइगर को देखता हूँ अभी भी, आज भी, इवन मध्य प्रदेश और राजस्थान के और ज़्यादा से ज़्यादा ये फॉरेस्ट ज़्यादा देखता हूँ। आपको इतना पसंद है टाइगर को देखना जंगल में? टाइगर को देखना मतलब सब जानवर दिखते हैं, टाइगर को सिर्फ टाइगर नहीं है, उसके साथ पूरी उनकी डाउनवर्ड्स फैमिली जो है एनिमल्स की, वो आपको सब दिखती है, उसका पूरा खेल दिखता है, दुनिया में क्या चल रहा है। और इंडिया ट्रॉपिकल होने से मतलब एक शानदार जंगल है, अनस्पॉइल्ड जंगल है आज भी इंडिया के, सबसे टॉप जंगल है इंडिया वर्ल्ड के, जो अफ्रीका जैसा नहीं कि मैदान मैदान चलो, ये तो अप डाउन है, यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती है। टाइगर के लिए आपको जैसे सफारी होती है वो सफारी नहीं है, आपको हाथी पे है कुछ गड्ढे खुड्ढे में जाना पड़ता है तब टाइगर दिखता है, ऐसे वीरान में एकदम मैदान में बैठा नहीं इंडिया का टाइगर। तो एक एफर्ट भी है, और वो जो एक्साइटमेंट है उसका थ्रिल जो है वो तो एक लाजवाब एक्सपीरियंस है आपका जिंदगी का। फिर सिरपुर की तरफ आपका ध्यान कैसे गया? सिरपुर मैंने जो तालाब देखे और पक्षियों का स्टडी हो गया था मेरा इतने 10-12 साल में यूरोप में, तो वहाँ पे अच्छे ऑब्जर्व करते थे, जू में भी देखते थे, पर नेचुरल में भी जाके तालाब पे दिखते थे। और इंडिया में आता था मैं करीब 10-12 चक्कर किए मैंने 10-12 साल में, हर साल आता था इंडिया, तो इंडिया में भी मैंने देखना चालू किया, तो वो चीज़ दिखती थी माइग्रेटेड, ये वो थोड़ी किताब पढ़ी तो वो सब दिखता था। इंदौर में फिर याद आई मेरे को, इंदौर में मैं 80 में गया था, जब 75 में आके 80 फिर मैंने रिवाइज किया मेरे को कि पिपलापाला, सिरपुर, यशवंत सागर ये फिर जाना चालू किया,
तो सिरपुर की हालत ऐसी दिखी मेरे को कि बिल्कुल दयनीय, ऑलमोस्ट गॉन टू डॉग्स जिसको कहते हैं अपन, ख़त्म। मतलब सैकड़ों लोग अंदर है, मछलियाँ पकड़ रहे, दारू पी रहे, गुंडागर्दी है पूरी, अस्ता व्यस्त व्यवस्था है, जानवर ढोर अंदर, मतलब जो भी आप कह सकते हो, गुंडे सो रहे हैं झाड़ के नीचे और सब जो लोग आ रहे हैं उनको छेड़छाड़ हो रही, इस तरह का ये स्थिति। ये तो एक पहलू, दूसरा पहलू है कि वहाँ हजारों मील दूर से पक्षी आ रहे हैं। वो फिर धीरे धीरे मैंने जब मैं फोटोग्राफर बना यहाँ पे आके फिर वापस, तो फोटोग्राफी मैंने सिरपुर पे चालू की। ये मेरा जो डिफेक्ट दिखने लगे तो ये मैंने अखबार से, मेरे कॉन्टैक्ट अच्छे थे क्योंकि हर साल मैं आता था तो नई दुनिया वगैरह मेरे को बिल्कुल स्पेशल डिनर अभय के साथ और डिनर के लिए बुलाते थे नई दुनिया परिवार, उस जमाने में अच्छे कॉन्टैक्ट थे मेरे, तो वो फोटो छपना चालू हो गए मेरे। मैंने कहा ये डिफेक्ट दिख रहा है मेरे को, ये गंदी वाड़ा चल रहा है, ये झाड़ कट रहे हैं सब बड़े बड़े, ये तो मतलब ये ना मेरा है ना आपका, पर ये तो अच्छी चीज नहीं है, विरासत है और आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इसको, तो चाहे जैसा मतलब मालकी हक लगा के। तो फिर कंप्लेन चालू की, फिर बाय द टाइम आई वाज मीटिंग ऑलवेज कलेक्टर ब्यूरोक्रेट्स, ये वो सब मेरी अच्छी पहचान हो गई थी, होलकर के साथ इधर पार्टी में मिलना, क्रिकेट करता था मैं, ये इस तरह से अच्छी एक सर्कल अच्छा था मेरा, तो उससे मैं इन्फ्लुएंस करने लगा इन लोगों को कि ये जो चल रहा है ये बिल्कुल ख़राब चीज़ है, इसके लिए बहुत ध्यान देना चालू चाहिए, ध्यान अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए, लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, ये चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। ये सब करने के बाद जब छपते गए फोटोग्राफ तो मेरे को काफ़ी लोगों ने वो किया, मेरे काम को सहारा, उसको हमने टाइटल दिए और लोगों का जो गंदी वाड़ा है गरीबी हटाओ जैसे पॉलिटिकल नारे, तो हमने कहा गरीबी को ईमानदार होना चाहिए गरीब आदमी को, मैंने ये भी कमेंट की है अखबारों में कि गरीब आदमी को तो ईमानदार होना चाहिए, गरीब तो गुंडा बदमाश तो नहीं होता है गरीब, तो उस जमाने की वो जो मेरी परिभाषा थी कि ईमानदारी के साथ जो गरीब है उसके पास सिर्फ ईमानदारी है, वो सीन मेरे को गलत दिखा वो, तो मैंने ये अखबार में भी छापा है कि मतलब धीरे धीरे हो क्या गया कि अब गरीब मतलब गुंडा हो गया है वो। फिर आप आज चले गए वर्षा सिरपुर, किताब आपने लिख दी है। फिर हमने मैंने सोचा कि ये काम से तो ठीक है, अखबार में वाहवा मिल रही है जो भी है पैसा वैसा तो ठीक है, पर अदरवाइज सिर्फ वाहवा से काम नहीं होगा, इसको बड़े ढंग से अपने को प्रोसीड होना पड़ेगा, तो एक एनजीओ का आइडिया आया। फिर 92 तक चला, हमने काम किया, ये किया, अप्रिशिएट किया, फाइलें बनाई, पर काम इफेक्टिव नहीं हुआ क्योंकि कुछ हमारा बेस नहीं था, बालू मुंडे क्या कर रहे हैं फिर वहाँ पे, अकेले पे नहीं चलता है वो, तो फॉर्मेशन किया 92 में हमने फॉर्म किया नेचर वॉलंटियर्स। आपके साथ अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट है अभिलाष खांडेकर है, फिर दिलीप फड़के हमारे सेक्रेटरी है, और दो तीन लोग हैं जो एक कौस्तुभ ऋषि है जिसमें किताब में है, वो हमारा वो है अरंतला जी, वो पक्षी विशेषज्ञ है जो फोटोग्राफर भी है, वो और मैं फोटोग्राफ करते हैं और बाकी सब ये सपोर्ट करते हैं, भोपाल तक मैं पूरी फाइल चलाता हूँ, और अभिलाष जी और हम प्रेशर लाते हैं नगर निगम और भोपाल और दिल्ली तक, तो ताकि गलत काम वहाँ पर ना होने, गलत काम पूरा रिपोर्ट हमारे पास हमेशा फोटोग्राफी के, बात तो करते ही नहीं है क्योंकि हमको मीटिंग में इंटरेस्ट नहीं, मेरे को आज भी तो मीटिंग का इफेक्ट नहीं, उससे मेरे पास हमेशा फोटोग्राफ है, और क्या होता है मैं एक्चुअल आईएएस ऑफिसर को भोपाल में प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक जाता हूं और बजा के आता हूं कि ये साहब ये तो नहीं चलेगा, जैसे हमने राला मंडल भी आपको मास्टर प्लान से निकाला है, वो भी एक एफर्ट किया है, तो वो भी आज सक्सेसफुल है, वो मास्टर प्लान से पूरे ग्रीन बेल्ट से निकालना, ये तो आज कॉलोनियाँ ऊपर तक बसने वाली थी, उसको भी हमने कैच किया, फिर तुलसी सिलावट और सुमित्रा महाजन से मिल के हमने वो काम किया, दोनों पार्टी को इकट्ठा करके और उसको हटाया वहाँ से, क्योंकि इंटरेस्ट इंदौर था मेरा, इंटरेस्ट पार्टीबाजी नहीं था, तो इंटरेस्ट काम किया मेरा बराबर। क्या पर्यावरण, अब हमने सुना कि वहाँ तो रोप वे चलाने वाले राला मंडल, और रोप वे चलाने का भी मेरे को पूछा गया हमको मतलब, तो हमने ये कहा कि वहाँ से स्टार्ट नहीं होएगा, स्टार्ट होएगा देवगुराडे से, और यहाँ एक यू टर्न का एक पोल लगेगा सिर्फ, तो देवगुराड़े से ट्रॉली आएगी और घूम के चली आएगी, नीचे कोई नहीं उतरेगा यहाँ पे, तो आपका जो खाने पीने के अड्डे और चढ़ने के और मोटर पार्किंग वगैरह राला मंडल पे नहीं होगा, वो होगा देवगुराड़े, तो उसके लिए हमने ओके किया, हमने कहा नहीं तो हम तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे, नहीं करने देंगे हम, मतलब आएगी रोप वे सिर्फ एक यू टर्न ऊपर के ऊपर जाएगी, वो नीचे कहीं लोगों को वास्ता नहीं है, वो बहुत ऊपर रहेगा, जैसे हाई टेंशन वायर है उतना करीब 100 फुट या 50 फुट जो भी उनका टेक्निकल है, वो घूम के चली जाएगी ट्रॉली, आप लाला मंडल नीचे से देखोगे ऐसा ऊपर से उसको, पर आप वहां रुक नहीं सकते, रुक नहीं सकते, स्टेशन ही नहीं है, स्टेशन नहीं फैला सकते, कुछ नहीं है,
अब लोग ऊपर से कचरा फेंके तो वह अलग है, वो तो अब आदत के लाचार है वो, क्योंकि वो चिप्स खाते हैं कचरा फेंकेंगे। दुनिया आपने देखी है, पर्यावरण की बातें भी आपने काफी की हैं, काम करते हैं आप, गोष्ठियां करते हैं, क्या इंदौर पर्यावरण के लिहाज से ठीक जा रहा है? मैं तो निराश हूँ एक तरफ से, क्योंकि देखो मीटिंग है, बातें और यूनिट्स है इंदौर में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, दूसरे एनजीओस भी चलते हैं, उनकी मीटिंगें ज़्यादा होती है, एक्शन प्लान नहीं है। मेरे को आई बिलीव इन एक्शन प्लान ऑलवेज, मेरे को एक्शन चाहिए, मैं कहीं पे भी लग जाऊंगा। यदि आपके पास प्रॉपर प्लान है तो मैं तगारी उठा के कूड़ा कचरा भी निकालूंगा खान नदी से, पर सिर्फ सेक ऑफ फोटोग्राफ एंड सेक ऑफ न्यूज एंड हम कुछ कर रहे हैं इंदौर के लिए, ये करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। शुरुआत तो ऐसी होती, कोई भी नहीं, शुरुआत होती पर उनके पास प्लान नहीं है। ऐसे प्लान नहीं है, क्या होना चाहिए खान नदी का, क्या होना चाहिए? मतलब मुन्ना भाई जैसा एक, वो मान लिया कि मुन्ना भाई जैसे आप थूके जाओ और मैं साफ करूंगा, वो एक वो प्रोसेस है एक, तो कि हैमरिंग कि आपको गुलाब का फूल, वो मान लिया। पर आज जनता वो सब पचा गई है, गांधी जी जैसे अपन पचा गए हैं, गांधी जी मतलब जो जीवन उनका पूरा इंदौर तक पांव लगे उनके, अपन सब पचा चुके। अब फिल्में देख के तो कुछ उतना असर होता नहीं है तो लोगों, क्या किया जाए? नहीं, सामूहिक एक्शन चाहिए। मतलब एक्शन में क्या क्या गोली मार दी जाए किसी को? नहीं, मेरे पास एक छोटा ब्रीफ में देता हूं, मेरे पास एक प्लान है कि एक एनजीओ हम और बनाएंगे जिसमें 500 मेंबर बनेंगे, शुरुआत में ही 500 मेंबर, और 500 को एक घंटा देना है महीने में एक घंटा। हाँ, मेरे पास प्लान है, महीने में एक घंटा मीटिंग राजवाड़े पे होगी, और मैं कह रहा हूं कि प्रॉक्सी आपकी कंप्यूटर से लगेगी, आप नहीं आ सकते हो तो आपको मैसेज आएगा, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड रहेगा और प्रॉक्सी की प्लाना। ये सब चीजें तो बहुत हो गई, खान नदी का क्या होगा? नहीं, कुछ भी प्लान करेंगे तो वो वहां पे प्लानिंग होगा उसका, और वहां पे 500 लोग इंदौर के, नॉट जस्ट ए वर्कर, पर उसमें इंडस्ट्रीज, डॉक्टर्स, वकील, सब तरह के लोग 500 में ही है वो, और 500 को एक महीने में एक घंटे बैठना है तभी आपको मेंबरशिप है, नहीं तो मेंबरशिप नहीं दे रहे हम। फिर क्या होगा, मेंबर बन गए फिर क्या? उसके बाद प्रेशर लाएंगे 500 लोगों का प्रेशर आएगा कलेक्टर पे, जो एक घंटे में जो मीटिंग होगी उसका एजेंडा रहेगा और उसके ऊपर। आपको लगता है कि हमारा प्रशासन, हमारा सवारी सरकार शांतिपूर्वक आंदोलनों की बातें सुन लेती है? अभी, अगर लोग अभी दिल्ली में जो हुआ है उसका तो अपन उसको भी निकल गए, जो अभी एक वो रेप केस में जो कांड हुआ है उसको भी अपन निकल गए। तो इंडिया में असर मतलब क्या है कि आपको हॉल्ट पूरा करना पड़ेगा, हॉल्ट। मैं तो उसके लिए भी तैयार हूँ कि आप पूरे तो आप तैयार है, पर क्या इंदौर तैयार है, क्या शहर तैयार है, क्या 500 लोग तैयार हैं आपके साथ आने के लिए, और क्यों आएंगे लोग आपके साथ? नहीं, जैसे पहले कुछ काम करना पड़ेगा, मैं सिर्फ नेता जैसा बोलूंगा भाषण देने तो नहीं, तो मैं तो काम कर रहा हूँ, मेरे जैसे ही और 5-10 लोग लगेंगे। आपको कोई आशा है कि खान नदी साफ होगी? नहीं, खान नदी पे प्लानिंग चाहिए, इंडिया लेवल पे उसको वो टेंडर निकालना है कि इसको कैसा प्रोजेक्ट किया जाए। आपने भोपाल शहर में बड़ी झील, जो भोपाल की बड़ी झील सीहोर से लेके है, उसको गंदा करने के खिलाफ भी आपने आंदोलन किया था, बात की थी, जो पूरे भोपाल को पानी पिला सकती थी, उस झील की अनदेखी की गई, पूरे भोपाल का कचरा उस झील में डाला जा रहा है, पूरे शहर की गंदगी झील में बहाई जा रही है, और नर्मदा का पानी लाया जा रहा है 600 करोड़ रुपए खर्च कर। भोपाल लकी थे क्योंकि उनको 250 करोड़ तो उसको वो जायका से मिले, जापान इससे वो गिफ्ट में मिले, उनको वापस नहीं करने हैं वो, तो वो क्या है कि ऐसे गिफ्ट कोई भी इंदौर दे दे तो अपन भी चढ़ जाएंगे, गिफ्ट खा लेते अपन, उसके बाद कुछ नहीं होता, क्योंकि इवन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जब आए थे जॉन मेजर यहाँ पे, उनने कितने करोड़ डाले हैं उस टाइम में, मैं तो उनके साथ फोटोग्राफी की, मैंने फ्री प्रेस में था तब मैं, तो वो फोटोग्राफी करके आज पूरा जिम गया और पूरा 1-2-3 होके वापस आ गया है वो गंदीवाड़ा, वो प्रोजेक्ट ऐसे कई बार। तो कोई आशा है आपके दिमाग में कि इंदौर कभी सुधरेगा या ऐसे रहेगा? नहीं, प्रशासन को प्रेशर लाने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते अपन लोग, मतलब मैं तो अब आशा के साथ यही चलूंगा मैं कि प्रेशर जैसे हमने लाया है अभी, हमने प्रेशर लाया पॉलिटिकली, पुलिस लाके सिरपुर पे खाली नहीं किया है हमने, कभी प्रेशर नहीं लाया, एक उसका पॉजिटिव काम किया है हमने वहां पे कि हमारा अच्छा काम हमने लोगों को करके दिखा दिया, बातचीत पे नहीं, तो उनको लगा है ये साफ सुथरा हो गया, ये तो साफ सुथरा हो रहा है, और ये मतलब इनके कोई मकान नहीं बन रहा, इनने कोई उसमें वो नहीं किया है। हमने कहा कि हल्ला गुल्ला नहीं होना, तो हम लाउड स्पीकर नहीं लगा रहे, हम उसके अगेंस्ट नहीं कर रहे जो बोल रहे हैं, तो हम वैसा कर रहे हैं, और पूरा न्यूट्रल किया है कि यहाँ पे फिशिंग बोटिंग ये पिकनिक वगैरह सब बंद, तो हम नहीं कर रहे वहाँ खाने पीने भी, तो हम ये कह रहे हैं कि ये सबका है। आज टाइगर तो मेरा भी हक है, जितना आदिवासी का है और जितना जंगल वाले का है, क्योंकि वो तो एक वो है हिंदुस्तान के हीरे है ये तो, आज
उस पर सबके हक है। मैं तो जंगल में भी बोलता हूँ कि हक तो मेरा है, मैं क्यों आ रहा हूँ इंदौर से कान्हा नेशनल और पन्ना में क्यों जा रहा हूँ, तो मेरा हक है इसलिए जाता हूँ मैं। और हक आपको कंटिन्यूस चिल्लाना है, मैं तो मेरा तो अब ये आखिरी में आ गया हूँ मैं कि मेरे को चिल्लाना 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 है, कुछ नहीं करना है। और भालू मुंडे जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने अपनी बातें हमसे शेयर की पर्यावरण के बारे में, कला के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो थैंक यू। न्यूज ब्रेकर्स के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं, YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।